अब किस तरह से देखते हैं? अब ये यूट्यूबर जो है ना वो बिहार को बदल के रख देगा सब। जितने यूट्यूबर हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, अब सब लोग मिल के बिहार को बदल देंगे। यूट्यूबर आ गया है। हाँ देखिए यही बिहार बदल गया, नेता जा रहा है, यहाँ यूट्यूबर के पास बाइक है, वहाँ पे कुछ नहीं रहा है। मनीष भैया चुनाव लड़ रहे हैं आपको, चुनाव लड़ेगा मनीष भैया, इस पे क्या कहना? जो करना होगा किया जाएगा, जो करना होगा बिहार के भलाई के लिए, जो करना होगा किया जाएगा, और लड़ेंगे हम लोग सड़कों पे, लड़ेंगे बिहार के लिए, लड़ेंगे और अपने बिहारी लोगों के लिए लड़ेंगे, गरीब लोगों के लिए लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे एकदम। हम उस पार्टी से तो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे जो पत्रकारों का घर का कुर्की करा दे। पूरे पूरे आजाद भारत में आज तक किसी पत्रकार के घर का कुर्की नहीं हुआ है। चलिए हमको पत्रकार नहीं मानते हैं, यूट्यूबर मानते हैं ना, तो किसी यूट्यूबर के घर का कुर्की नहीं हुआ है। काहे मेरे घर का कुर्की किया गया? क्या सुनिए सुनिए, क्या मैं बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था जिसके घर का कुर्की करना इतना जरूरी हो गया था? क्या मैं सबसे बड़ा अपराधी था? बताइए, अगर मेरे ऊपर से एनएसए नहीं हटता तो आप लोग मुझे देशद्रोही कहते कि नहीं कहते? कहते ना। देखिए आज ये तिरंगा जीत गया है, आज ये सत्य जीत गया है, आज ये सत्य जीत गया है। मेरे घर का कुर्की किया गया था, एक मिनट, मेरे घर का कुर्की किया गया था, आज इन लोगों के कुर्सी का कुर्की हो गया है। और ये कुर्सी की कुर्की जो है ना पूरा दुनिया देखा है। अब ये लोग, एक मिनट, ये लोग कह रहे थे कि खेला होगा, खेला हो गया और इन लोगों के कुर्सी का कुर्की हो गया और सत्य जीत गया। आज पूरे बिहार में सत्य जीत गया है। आज आपको नहीं लगता तेजस्वी यादव के साथ खेला हो गया? उनके दो विधायक, तीन विधायक टूट गए। उन्होंने मेरे साथ खेला किया था, बेवजह खेला किया था उन्होंने मेरे साथ, बेबुनियाद आरोप लगा था। अगर देखिए मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। 9 महीने जेल काट के आया हूँ, मुझे दर्द है, मैं निर्दोष था। वीडियो मैंने नहीं बनाया था, मैंने, अरे तो मेरे ऊपर से एनएसए हटा कि नहीं हटा? मेरे ऊपर से एनएसए क्यों हट गया? एनएसए क्या, एनएसए खारिज हो गया मेरे ऊपर से, आपको नहीं पता है? एनएसए खारिज हो गया? नहीं, अरे सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, बोलने तो दीजिए। एनएसए सुनिए, अब बोलने दीजिए। अब एनएसए जो लगा था ना मेरे ऊपर, उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दिया और मुझे उसमें रिहाई कर दिया, और एनएसए लगाने वाले को बोला कि गलत और बेबुनियाद तरीके से एनएसए मनीष कश्यप के ऊपर लगा था, तो मुझे क्लीन चिट मिला कि नहीं मिला अदालत से? मद्रास हाई कोर्ट में मिला कि नहीं मिला मुझे? और ये लोगों के वजह से मैं फंसा था क्या? मुझे कोई खतरा नहीं है और मैं किसी से नहीं डरता हूँ। सुनिए, मद्रास हाई कोर्ट ने एनएसए खारिज कर दिया, खारिज, हटाया नहीं। सुनिए ना, खारिज हो गया हम सीबीआई ने हमको 3 साल जेल में नहीं ना डाला है? अरे सीबीआई ने 3 साल झारखंड के जेल में हमको नहीं ना रखा है? अरे सुनिए ना, जब तक अदालत ने मुझे दोषी सुनिए, कोर्ट मत बनाइए। आपके नेताजी 3 साल जेल में रहे हैं, समझे ना? तुम सिटीजन ऑफ इंडिया है। हाँ, तो हम भी सिटीजन ऑफ, हम जीते हैं इसलिए आए हैं, हम जीते हैं, हम इसका नहीं है क्या? जो सरकार गिरा, यानी आप कह रहे हैं कि वो इनके खिलाफ है? फिर वही बात तुम बोल रहे हो। हाँ, तो हम इसके साथ हैं, हम तिरंगे के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे हम तिरंगे के साथ,
और मेरे ऊपर से हम मेरे ऊपर से आने से हट गया और गांधी जी को मैंने कभी गाली नहीं दिया था। नहीं, आप लोगों ने एडिट किया था, आप लोगों ने एडिट किया था। झूठ बोलते हर पल क्या क्या अभी क्यों बोलते हैं? अरे आप तो बहुत गंदे आदमी है, देश के प्रधानमंत्री को कैसे झूठा बोल सकते हैं आप? वीडियो आप देश के प्रधानमंत्री को कैसे झूठा बोल सकते हैं? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सुनिए क्या, ये सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए क्या, सुनिए, ये मोदी जी को झूठा बोल रहे हैं, ये सुनिए, ये मोदी जी को झूठा बोल रहे हैं, जो सुनिए, नहीं 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 नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री को ये झूठा बोल रहे हैं, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और देखिए, सुनिए, मैं 9 महीना जेल में रहा हूँ, ठीक है, तिरंगा लेके तिरंगा का अपमान नहीं करते हैं, जो हरा झंडा फहराने, सुनिए ना, हरियर झंडा फहराने वाले हम लोग नहीं है, हम लोग 3 रंग का झंडा फहराने वाले हैं, समझे ना, समझे, जय श्री राम, सारे लोग हैं, सारा जैसे उलझे नहीं हम, मनीष समझे ना, बस हो गए ना, आ गए ना औकात पे, लाठी से बिहार नहीं चलेगा, समझे ना, क्या क्या, देखिए मनीष कैसे जिंदाबाद, देखिए ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सुनिए एक मिनट, एनएसए में कोर्ट ने एनएसए खारिज किया कि नहीं खारिज किया? किया ना, और मैं अभी तक तो झारखंड के जेल में नहीं बंद रहा, 3 साल नहीं ना रहा, तो जो लोग जेल का हवा खा चुके हैं, कोर्ट ने जिन्हें दोषी करार दे दिया उनके बारे में ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, और अगर हम तिरंगा लेके निकल जाएंगे तो इन लोगों जो है कहेंगे कि तिरंगे का अपमान, अरे वाह, अरे सुनिए, दिखा दीजिए आपका दिलवा, देख लेते हैं तिरंगा है कि नहीं है, दिखाइए ना दिलवा में तिरंगा, समझे ना, ये लोग पता, सुनिए सुनिए मैं बता रहा हूँ भैया, ये लोग चाहते हैं क्या कि मुझे उकसा दे और मैं कुछ अपशब्द बोल दूं और मैं ये लोग जाके फिर से मेरे ऊपर FIR कर दे, ये चीज है, सुनिए, एगो गरीब का बेटा, एगो गरीब का बेटा बिना सुरक्षा लिए हुए और यहाँ पे दहाड़ रहा है और इन लोगों की फट रही है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, देख लीजिए क्या क्या मनीष भाई का जिंदाबाद, हम चारा चोरी पार्टी से टिकट नहीं खिले वाला पार्टी से टिकट नहीं खिले वाला, हम घोटाले बाज वाला पार्टी से टिकट नहीं लेने वाले हैं, किसका कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ जमानत जब्त, निर्दलीय लड़के जो है ना जमानत जब्त नहीं होने दिए मैं अपना, समझे ना, पीछे पूरा बिहार है, देखिए बिहार में नीतीश कुमार, सेंट्रल में मोदी जी, कोई नहीं रोकेगा, सुनिए मनीष भाई का जिंदाबाद, अब समय आ गया है, सुनिए अब समय आ गया है कि इस देश का कोई भी सरकार जो है ना इस देश के यूट्यूबर से नहीं टकराएगा, नहीं टकराएगा, क्योंकि इस देश में, सुनिए, इस देश में यूट्यूबरों ने ताकत दिखा दिया और जिस यूट्यूबर का घर का कुर्की हुआ था आज उसने विधानसभा में कुर्सी का कुर्की करा दिया, क्या हम कहा तिरंगा का विरोध करें, सुनिए वो लोग हरियर झंडा फहराने वाले लोग हैं और जो हरियर झंडा फहराते हैं उन्हें 3 रंग का तिरंगा नहीं पसंद आएगा, ये चीज कहना है क्या, देखिए सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, लालू जी अच्छे व्यक्ति थे, लालू जी अच्छे व्यक्ति थे और लालू जी मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो चिल्ला रहे थे ना उसी धारा के तहत जो है इंदिरा गांधी ने लालू जी को जेल डलवा दिया था, तो लालू जी को ये दर्द का एहसास है कि किसी को बेवजह जेल में डाल देने से नुकसान होता है, तो लालू जी का मैं कभी विरोध नहीं करता था और ना ही करूंगा, लेकिन जिन लोगों ने बेवजह फंसाया उसका तो विरोध होगा, उनका तो विरोध होगा, वो लोग किसी पार्टी के दलाल होंगे, सुनिए वो जो लोग किसी पार्टी के दलाल होंगे वही मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मैं बिहारी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और मैं बिहार भक्त हूँ, हिंदुस्तान भक्त हूँ, उसके अलावा मैं कोई भक्त नहीं, ये चीज है, बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए
ये गाना गाएंगे आप गाइए 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 पहले बात सुनो मेरा शांत रहिए शांत रहिए गाइए गाइए अरे एनएसए लगाव चाहे कर कोमन रुपैया अरे एनएसए लगाव चाहे कर कोमन रुपैया असरे हम सरे रही है मनी से सुनिए हम किसी व्यक्ति का जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। हम बस बोलेंगे बिहार जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम किसी व्यक्ति का जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। भारत माता की, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। से लालू जी है, बिहार से तेजस्वी जी है, बिहार से मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप तेजस्वी जी से और लालू जी से बिहार नहीं है। तो बिहार का जिंदाबाद का नारा लगेगा, बिहार का, हिंदुस्तान का जिंदाबाद का नारा लगेगा। जय जय। सुनिए, अकेले भारी पड़ रहा है ना, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? एकदम अपना चेहरा चम पहले बहुत विरोध करता है, पर रहा ना भी अकेले भारी तो करने दीजिए, मेरा विरोध करे फर्क नहीं पड़ता, चाहिए देश का विरोध नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, क्या राजनीति में आइएगा। हम बिहार के किसी भी व्यक्ति पे झूठा केस नहीं होने देंगे, क्योंकि झूठा केस का दर्द मैं जानता हूँ। आप सुनाइए, आप सुनाइए जो सुना रहे। विरोधी हमार बतिया के ध्यान से सुनी हो, तू दोसर चुनी हो, विरोधी हमार बतिया के ध्यान से सुनी हो, अपन रास्ता तू दोसर चुनी हो, आ कट जाई कुल ही भ्रष्टाचार बबुआ, बिहार में बन गइल बाटे मनीष कश्यप के सरकार बबुआ। अभी नहीं के बनल अभी नहीं बना है। और सुनिए, 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 बिना सुरक्षा का अकेले खड़ा हूँ ना, खड़ा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और खड़ा होकर दहाड़ रहा हूँ ना एकदम। अब बिहार का हर एक बच्चा दहाड़ेगा, अपने हक के लिए दहाड़ेगा। सुनिए, सुनिए, यहाँ पे व्यक्ति विशेष का जिंदाबाद हो रहा है, कुछ लोग कर रहा है, और हम लोग बिहार और देश का जिंदाबाद कर रहे हैं। तो हम लोग सही हैं कि वो लोग सही हैं, आप बताइए, किसी व्यक्ति का जिंदाबाद होना चाहिए कि भारत का जिंदाबाद होना चाहिए, बताइए, बताइए। अब बिहार में खेला नहीं होगा, अब बिहार के जनता के हक के लिए काम होगा। अब खेला खेलने का समय गया, अब बिहार में हक के लिए काम होने का। क्या वैसे दलाल विधायक को टिकट काहे दे दिए हैं, अरे टिकट पैसा लेके टिकट देंगे तो विधायक पैसा लेके बिक नहीं जाएंगे, ईमानदार विधायक को दीजिए टिकट नहीं बिकेगा। अच्छा सुनिए, सुनिए, महागठबंधन वाले कह रहे हैं विधायक बिक गया है, और वही महागठबंधन वाले अगर गरीब, सुनिए, अगर गरीब आदमी के बच्चे को अगर टिकट दिए होते तो गरीब का बच्चा कभी बिकता नहीं है, वो भी तो नहीं बिकता, विधायक को खरीद है, नहीं बिकता है, वो भी तो विधायक को खरीद लिए सारा। हम किसी पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम बस इतना ही कहेंगे कि बिहार जीत गया है, बिहार जीत गया है। कौन जीता है? बिहार। कौन जीता है? बिहार। कौन जीता है? बिहार। और भ्रष्टाचारी हार गए हैं, समझे ना, और बिना सुरक्षा के बीच में खड़ा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, और इन लोगों का ताकत का एहसास दिला रहा हूँ कि अगर हाथी भी चींटी से उलझता है और चींटी हाथी के सूंड में घुस जाता है तो हाथी बेचैन हो जाता है। आज तो बीपी का दवा खा के ही सोना पड़ेगा इन लोगों को, एकदम। भारत माता की जय।
जय मनीषवा। फिर से जो करता था वही करेगा। देखिए कल नीतीश कुमार जी के गांव में जाकर रिपोर्टिंग किया हूं कि नहीं, किया हूं कि नहीं, नीतीश कुमार से सवाल किया हूं कि नहीं, नवादा में जाके चंदन सिंह के लिए रिपोर्ट आई थी, नवादा में जाके जो हमारे जो हमारे शहीद हुए थे उनके लिए रिपोर्टिंग किया कि नहीं, जयप्रकाश के नारायण जी के गांव में जाकर रिपोर्टिंग किया कि नहीं, और भाजपा वाले से सवाल किया कि नहीं, जदयू वाले से सवाल किया कि नहीं। तो मैं तो सबसे सवाल करूंगा, पहले भी करता था अभी भी करूंगा, लेकिन इस प्रकार से गुंडाई से तो नहीं डरूंगा भाई। ये जो गुंडाई कर रहे हैं ना क्या, हाँ इन गुंडों से नहीं डरूंगा मैं, इन गुंडों से नहीं डरूंगा मैं, इन गुंडों से मैं नहीं डरने वाला हूँ, इन गुंडों से मैं नहीं डरने वाला हूँ। जय, इन गुंडों से मैं नहीं डरने वाला हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बिहार जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, बिहार का गरीब जिंदाबाद, बिहार का युवा जिंदाबाद, बिहार का किसान जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, चलिए आगे आगे भी आगे, बिहार जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, पीछे बैठेंगे पीछे, बिहार जिंदाबाद, बिहार का गरीब जनता जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, और बिहार का गरीब जनता जिंदाबाद। वो तिरंगा लेके आइए, तो वो वाला तिरंगा लेके आइए, तो उस गाड़ी में है डंटा वाला तिरंगा लेके आइए। मैं कुमार गुप्ता, तीसरे दिन हाँ विरोध किया था पटना जंक्शन के स्टेशन पर, दूसरे दिन आप पहले से लगाने के बाद मैं दूसरे दिन, बिहार जिंदाबाद, बिहार का गरीब जनता जिंदाबाद, बिहार का छात्र जिंदाबाद, बिहार का जवान जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ए देखिए देखिए तिरंगे का अपमान कर रहा है, देख लीजिए देख लीजिए, इसको रखिए इसको रखिए इसको रखिए, बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार का छात्र जिंदाबाद, बिहार का किसान जिंदाबाद, बिहार का गरीब जिंदाबाद, बिहार का धरती जिंदाबाद, बिहार का गौतम बुद्ध जिंदाबाद। अब देखो भाई हम बिहार जिंदाबाद कर रहे हैं, तुम एक व्यक्ति का नाम लिख रहे हो, ये चीज है, ये चीज है, बस बस। भारत माता की, भारत माता की। अरे 9 महीना कष्ट झेले हैं, 9 महीना, 9 महीना कष्ट झेले हैं, 9 महीना, पाई पाई सूद समेत जो है ना बदलाव करेंगे, बदला नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे, बदलाव करेंगे। ये देखिए फिर से धमकी दे रहा है जेल जाने का, हमको हमको देख लीजिए, यानी ये लोग सत्ता में अगर आएंगे तो फिर निर्दोष को जेल में डाल देंगे। देखिए देखिए फिर से जेल में डालने का धमकी दे रहा है, क्या क्या, हाँ तो लो 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 भाई लो लो, हाँ गुड गुड गुड, वाह वाह वाह, देखिए गुड 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 वेरी गुड। विरोध करना मनीष कश्यप का, देश का विरोध मत करना भाई, देश का विरोध नहीं होना चाहिए, मनीष कश्यप का खुल के विरोध कीजिएगा, लेकिन देश का विरोध नहीं होना चाहिए। बस 9 महीना मैं चैन से नहीं सोया हूँ, अब ये लोग चैन से नहीं सोएंगे, ये लोग चैन से नहीं सोएंगे। नीचे नीचे नीचे
नीचे बैठिए। अकेले जय जय छीना नहीं जा रहा था उन लोगों को, हम देशभक्त बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे देशभक्त बना जाता है, किसी पार्टी का झंडा हम ना उठा के देश का भी झंडा उठा के बहुत कुछ किया जा सकता है। नीचे रहिए, नीचे रहिए राजू। चलिए चलिए राजस्थान भी अधीर, वो मुझे गाली दे फर्क नहीं पड़ता, वो बिहार को और बिहार के गरीब लोगों को कभी गाली ना दे और देश को गाली ना दे। आज कहीं ना कहीं आपकी जीत हुई है आए, सुन लीजिए आप लोग, मुझे गाली दे दीजिएगा, मुझे जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन बिहार को कभी गाली मत दीजिएगा, बिहारी को कभी गाली मत दीजिएगा, कभी भी बिहार के मजदूरों को कभी गाली मत दीजिएगा। एकदम जय जय जय, एकदम बिहार जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। मैं भ्रष्टाचारियों का पोल खोलता हूँ इसलिए विरोध करते हैं। ये दे दीजिए तिरंगा, दीजिए हमको ना, वो तो हम नहीं डरेंगे, कभी भी नहीं डरने वाले हम। अरे गुंडे लोगों ने विरोध किया, अब नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, भाई है, भाई है, सब सब भाई है, सब भाई है, सब भाई है, सब भाई है। जो आप मत दीजिए, अफसरे मत दीजिए, आप ले लीजिए, आप दिखाइए, आपके लिए छोड़ देते हैं हम, आप दिखाइए, आप बिहार के कहते कि पत्रकार है तो बिल्कुल नहीं दिखलाते बिहार के खबर, आप दिखाइए, आपके लिए छोड़ देते हैं हम। अरे कल नीतीश कुमार जी के गांव में जाके खबर दिखाया, आपका फट जाएगा, हम जाके दिखा दिए हैं पुल का। आप मेरा YouTube चैनल चेक कर लीजिए तो मत देखिए, मत देखिए, छोड़ दीजिए, आप अपना दिखाइए, हम आपको जो समझना है समझिए, हमको श्रेय अगर लेना है तो हमको श्रेय मिलेगा, आप ले लीजिए श्रेय, आधा किलो आप ले लीजिए श्रेय, आधा किलो आप श्रेय ले लीजिए। जय जय मातरम मातरम जय।